जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गढ़ चौबला पर कार्तिक गंगा मेले में जाते समय एक श्रद्धालु पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। आनन फानन में घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हापुड़ के मधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उसे 72 घंटे तक निगरानी में रखा गया है। गढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अभिनव सिंह पुंडीर का कहना है कि तहरीर मिलने पर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मामला सोमवार की सुबह 3 बजे के आसपास का है, जब बुलंदशहर के बीवी नगर थाना क्षेत्र के गांव ढकौली निवासी 35 वर्षीय अंकित सिरोही उर्फ सोनू पुत्र सतपाल सिंह अपने भतीजे भूपेंद्र के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से गढ़ गंगा मेले में जा रहे थे। सोनू का आरोप है कि उसी के गांव का रहने वाला एक युवक अपने साथी के साथ बाइक पर गढ़ मेला जा रहा था। जैसे ही सोनू चाय पीने के लिए गढ़ चौपला पर रुका तो दोनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें एक ने सोनू पर गोली चला दी। गोली सीधे सोनू के दाहिने कंधे पर जाकर लगी, जिससे वह घायल हो गया। भूपेंद्र ने किसी तरह ट्रैक्टर के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। जी, मैं गढ़गंगा नहाने के लिए जा रहा था ट्रैक्टर से, तो मैं वहाँ चाय पी रहा था तो और मेरे साथ गाली गलौज की और मारपीट की, आकर सीधी गोली मार जाता नहीं, ये गढ़ चौक लगा गोली मेरे साथ आके बदतमीज करी। मैं तो चाय पी गया था, मेरा भतीजा भी साथ लगने के कारण आया है, तो गोली एग्जैक्ट निकाली गई है 5 बजे के समथिंग आया था वो, राइट शोल्डर में इसके गोली लगी है। गोली लगने से जो भी इंजरी हुई है उसका रिपेयर कर दिया गया है, बाकी 72 घंटे पता लगेगा क्या स्थिति रहती है। अभी तो मेरे से बाहर है। बता दें कि घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन सोनू को हापुड़ के मधु अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल का 1 घंटे का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वह खतरे से बाहर है। हम गंगा स्नान के लिए गढ़ जा रहे थे, हमने गढ़ चौक लेकर रुक के ट्रैक्टर ट्रॉली नहाए जाते, हमने सर के चाय पी, जहाँ चाय पीने लगे वहाँ पर मैं नहीं जानता, और उन्होंने वहाँ पर आकर चाचा साहब गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद चाचा साहब माथे पर मारपीट हाथापाई करी, हाथापाई करने के बाद चाचा के ऊपर गोली चलाई। कोई विवाद नहीं था, कुछ भी कारण नहीं था, वो बाइक पर थे, ये वो डॉक्टर साहब बताएंगे। हालांकि सोनू फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। Thank you.